दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे का फरा। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे खाने की खुशबू आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, फरा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी उड़द की भीगी हुई दाल, एक कटोरी चावल का आटा, नमक, हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया, थोड़ा काली मिर्च पाउडर और हमें चाहिए थोड़ी सी हींग। ये बनाने के लिए उड़द की दाल को हमें ग्राइंड करना है। दाल को मैंने रात भर भिगो के रखा था, इसमें ये मिर्ची डालेंगे और उसको अभी अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा दरबरा ही रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं ग्राइंड करना है। इसको एक कटोरी में निकालेंगे अब हम। आप चाहिए तो थोड़ा पानी ऐड करके ग्राइंड कर सकते हैं इस तरीके से। दाल को निकालेंगे। आप छिलके वाली दाल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बिना छिलके वाली दाल भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें हम ये कटा हुआ धनिया डालेंगे, थोड़ा सा नमक, नमक स्वादानुसार, और इसमें हम डालेंगे ये काली मिर्च पाउडर। अब इस दाल को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं या स्पून से मिक्स कर सकते हैं। नमक और काली मिर्च अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए पूरी दाल में। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये मिक्स कर लिया है। अब हम आटा लगाएंगे। ये एक कटोरी आटा लेना है आपको। इसको आपको गर्म पानी से गूंथना है। यहाँ पे मैंने पहले से ही गूंथ के रखा हुआ है आटा। ये देखिए, गर्म पानी से गूंथ के आपको 20 मिनट तक रखना है। कुकर में पानी गरम करने के लिए रखना है। आप किसी बड़े बर्तन में पानी गरम करने के लिए रख सकते हैं। इस तरीके से जब तक पानी गरम हो रहा है तब तक हम फरा बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने चावल के आटे की एक गोली ली है, जिसको हम रोटी के तरीके से बेलेंगे। हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि ये चावल का आटा फट जाता है बेलते टाइम। इस तरीके से सूखे आटे की हेल्प से हम रोटी जैसा बनाएंगे इसको। अब हमें किसी छोटे ढक्कन की हेल्प से इसको छोटी छोटी गोलियों में कट करना है। इस तरीके से एक बड़ी रोटी में 4 से 5 छोटी गोलियां बनेंगी। हम इसको निकालेंगे एक थाली में अलग। इसी तरीके से आपको पूरे आटे की गोलियां बनानी है, छोटी छोटी, ज़्यादा मोटी नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए, मैंने बना लिया है। अब हम इसमें स्पून की सहायता से दाल को फिल करेंगे। दाल को बीच में रख के आपको हल्का सा प्रेस करना है। आप देख सकते हैं, इस तरीके से बीच में रख के और दोनों साइड से थोड़ा प्रेस करना है, नहीं तो दाल बाहर आ जाएगी। यहाँ पे मैंने ये देखिए बना लिया है। पानी उबल चुका है हमारा। उबलते हुए पानी के ऊपर हमें एक चलने वाली थाली रखनी है। इस तरीके का बर्तन सबके घर में होता है, इससे भाप निकल के आएगी, उसके ऊपर हमें ये फरा को रखना है। इस तरीके से देखिए, हमें इसे स्टीम करने के लिए यहाँ पे रखना है। यहाँ पे देखिए, मैंने पूरी थाली को भर दिया है रख के। अब एक लेयर के बाद अब इसको पलट के रखें ताकि दाल अच्छे से पक जाए। अब इसको हम थाली की सहायता से अच्छे से ढक देंगे। आपको एक प्रॉपर थाली उसी साइज़ की लेनी है ताकि उधर से भाप ना निकले किसी भी साइड से। अभी हमें इसे 20 मिनट तक पकाना है। 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, आपको कलर भी थोड़ा चेंज दिखेगा और अगर आप इसको हाथ से टच करेंगे तो आटा चिपकेगा नहीं आपके हाथ में और दाल भी आपको थोड़ी टफ दिखेगी।
ये हमारा फरा अच्छे से पक चुका है। आप इसको टमाटर की चटनी या फिर किसी भी तरीके की हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कुकिंग।